मैरारू निहारे मोटरी और पहरारू पिटारे पिटोरी। ये वो वही महातारी है, तेरी महातारी वही वाला। बहुत गलत शब्द है तो। महातारी मतलब माँ। लेकिन तुमने तो बहुत गलत तरीके से सिखाया था मुझे ये। अरे मम्मी क्या हुआ? अरे क्या हुआ मम्मी? उल्टा पुल्टा सिखाया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज आ रहे हैं मेरे मम्मी पापा। हम लोग जा रहे हैं मम्मी पापा को लेने। हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं एयरपोर्ट पहुंचने में, उनकी फ्लाइट शायद आ भी चुकी है। और मैंने हेयर कट भी करा लिया, आप लोग देख सकते हो। मैंने हाईलाइट्स भी कराए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बेबी को पसंद नहीं आए, बट आ जाएंगे क्योंकि मेरी बेबी के हाईलाइट्स तो मुझे पसंद आए हैं। मैंने कब कराए? मैंने तो बहुत पहले कराए थे। तो क्या हुआ? तो तुम्हारा मतलब है सामान ऐसे ही रख दें? अभी ऐसे ही रख दो। यही कह रहे थे हम, सामान मिल के रख देंगे। बेबी करते हैं ना बाद में। बेबी कभी भी नहीं रख पाएंगे हम, पर मैं बता रही तुम्हें अभी रखना है। तुम बोल दे पापा को ऑटो से आ जाएं। चलो उनके लिए बीचों बीच यहाँ पे ये रख देते हैं हैंड सैनिटाइजर, जैसे बैठेंगे सैनिटाइज हो जाएंगे। बेबी पहले मेरा एक कुत्ता वापस लगाओ, ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी वरना। कुत्ता लगाने में क्या बड़ी बात है, ऐसे करना लग गया कुत्ता। लग गया? हाँ। बेबी फ्लाइट आने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। बेबी तुम्हारी बेबी उड़न तश्तरी है। उड़न तश्तरी, उड़न कटोला तो सुना था। तुम तुम्हारी बेबी को जानते नहीं हो, पहचान होती तो अभी पैरों में गिरे होते। कैमरा ऑफ होने के बाद वही करूंगा। दांतों पे नहीं लगा? मेरी सास कहेगी खा पी के आई है। तुम्हें वैसे आज व्रत रखना चाहिए था, सास ससुर आ रहे हैं ना। अच्छा ओ, तो उनको बोल देंगे ना व्रत रखा है, उनके आने पे ही खोलना है। और रास्ते में वड़ा पाव खा लेंगे 3-4। पहले खा लूंगी मैं, मुझसे तो रुका नहीं जाता ना। व्रत एक ऐसी चीज है जो मैं नहीं शायद कर सकती। इट इज सो डिफिकल्ट, मेरे ना खून सर पे चढ़ने लग जाता है। मम्मी पापा आ रहे हैं गणपति के लिए और रहेंगे कम से कम 15-20 दिन। अभी तक डिसाइडेड नहीं है, अभी बोली जा रहा है डिसाइडेड नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि उनको हम पकड़ के रखें, क्या मालूम ज्यादा रुक जाए। बेबी कान वान में कुछ भी नहीं पहना, सास ससुर से मिलने जा रही हो। सुना सुना, अरे सुहागन तुम। जैसे सास ससुर आएंगे ना तैयार होंगे। क्या बैग में सामान लाई हो? कवच कुंडल साथ में लेके चलती हो क्या? ना सिंदूर है ना बिंदी है। सिंदूर लगाऊंगी, इधर तक लगा लूं। गणपति पे देखना जब तैयार होंगी। मतलब सास ससुर एयरपोर्ट पे मिले तो उन्हें ये तो लगना चाहिए सही लड़की से शादी की थी। तो क्या इसमें गलत क्या? पैंट वाली लड़की खराब होती है? टी शर्ट पहन ली तो मैं खराब हो गई? नहीं, मैं सिंदूर और बिंदी की बात कर रहा हूँ। अब इसके साथ सिंदूर बिंदी कैसे लगाऊं? इट डजंट मैच। ब्लू सिंदूर से चल सकता है? ब्लू सिंदूर नहीं, मत करो ना। मैं नहीं पहनती, तुम्हें पता है कान वान का मेरे, फिर दर्द होता है कान में, छोटे छोटे कान है ना। यहाँ पे कहीं पे भी पार्क कर दो। वही कर रहे। चलिए जी चलिए। मम्मी कुछ खाए तो नहीं हो गया? पापा को चाय वाय पीने दी आपने? P5 पे जाना है क्या? पता नहीं मेरे को। मम्मी यही थी, मुंह क्या हो गया? मुंह को क्या हो गया तुम्हारे? इतना पतला कैसे हो गया? का पतला कम हुआ है। कम हो गया बहुत है? वेट वेट कम लग रहा है मेरा? अच्छा, पेट भी जलाना पड़ता है। क्या करेंगे मम्मी, अब नहीं खाऊंगी गणपति पे भी नहीं खाऊंगी मैं। अरे तुमने तो कहा था कि कॉफी पिलाऊंगा, क्या हुआ? तो घर पहुंचने वाले हैं। पापा घर जाके कॉफी पीनी है? घर जाके पिए? बाहर नहीं पियूंगा। देर नहीं हो जाएगा? नहीं, कोरोना फैलाने, बाहर कोरोना फैलाते फैलाते तो हम यहाँ पहुँच गए। कोरोना घर में ही आ गए। कहाँ पे? आप लोग वुहान में ही हो। जैसे 32 दांत के बीच में जीव है ना, वैसे ही है समझ लो। आप चलो भाई, कैंडी कोको चेरी से मिलने को तैयार हो जाओ। तू तेरी पिटाई होनी चाहिए। इसकी सांस नहीं आ रही है फिर भी हड़बड़ाई पड़ी। क्या है? बस बस बस, एक बच्चा रुई का गोला हो गई है। बस। शरीर उसकी बाल कैसे हो? अच्छे हो गए ना? बहुत अच्छे हो गए। तुम उसको गोद में ले लो ना। पहले 2 मिनट तू आ जा। सांस ले रही है गई। तुम अंदर सामान लेके गए हो ना?
चिल्ला रही है कौन सा सामान गया अंदर, क्या हुआ है? जाना टंग गया, क्या हुआ है? पापा बुला लो ना, अपने पास बुला लो, जाएगी फिर आ जाएगी। उसको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ को जाए, वो क्या चाहिए। अरे इसके दांत सारे निकल गए, जल्दी से दो तीन दांत ही हैं इधर। शांत हो जा, शांत हो, चुप हो जा, चुप हो जा, बस बस बस। क्या हुआ है? गाली पड़े बराबर। इधर आ भाई, इधर आ। क्या हो गया, क्या हुआ ऐसा है, क्या हो गया? चलो जी चाय आ गई, चाय चाय बोलना चाय। आप ठीक से मम्मी बैठ तो जाओ, एडजस्ट होके। ये चाय बेचने वाले की जैसे बोल रहा है तू तो। खाओगे मम्मी साथ में कि खाना ही खाओगे? कुछ नहीं कुछ नहीं अभी। तो जी अभी मम्मी पापा को हम लोग लेकर आ गए हैं, चाय पीने बैठ रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। बड़ा तोता है, बड़ा तोता। मम्मी ये देखो, मम्मी ये देख रही हो? ये देखो ना उठ के अविनाश। हाँ ये अभी दूसरा तोता है, बाज लग रहा है इतना बड़ा है। और वो सुन रहा है मम्मी सारी बातें हमारी, सुन रहा है। कान इधर ही है उसका। तोता घर में रहना मम्मी बड़ा अच्छा होता वो है। तो है ही। और अपने आप से है ये भी नहीं, हम कहीं से लेके आए हैं। हमारे तोते से कम है। जाओ ना तुम, बैठो ना मम्मी पापा के पास। सास ससुर को देखते ही काम करने लग गई, कपड़े बर्तन धोने लग गई हैं। देख के काम करती हूँ, वैसे काम नहीं करती घर के, बताती हूँ मम्मी। अरे मम्मी, अरे 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 अभी मैं सही करती हूँ मम्मी। क्या बोल रहा है ना कि मम्मी आई है ना तो तुम फटाफट काम करने लग गई। कुछ बोलना है? कुछ बोलोगी? नहीं मैं पहले भी देखी हूँ कपड़ा धोते हुए, नई बात नहीं। शर्मी आती बात बोलते हुए। अरे सास से बेटे को ही कुटवा दिया, आज तो पूरा जमीन पे बैठ के काम करोगी ना। देख लो मम्मी, मतलब वैसे तो इस घर में काम ही नहीं होता, यही करते हैं। मतलब तो यही करता है ना, यही धोते हैं कपड़ा। मशीन का बता दो ऑन कैसे करना है, इसको पता नहीं है पीछे का बटन कहाँ से चालू करना है। पता लगा कुचन कर रहे हो मेरी सास के सामने? कपड़े बिना देखे डाल रही हो, पीछे से चेरी को उठा के मत डाल देना, पता चला कपड़ा समझ के चेरी को डाल दिया अंदर। मम्मी क्या लाई हो इसके लिए? ये क्या है? ये आपके लिए साड़ी ले। थैंक यू मम्मी। कुर्ता भी लायो? हाँ, ये निशा ने दिया। अच्छा साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ मम्मी बहुत सुंदर है ये तो। ये तो दुर्गा दुर्गा पूजा में पहनने वाली साड़ी है, दुर्गा पूजा में पहनने वाली। बिल्कुल। अविनाश की टी शर्ट है, ये भी मेरे लिए। मम्मी बड़ा नहीं लग रहा साइज, ठीक है सही है और ऊपर थोड़ा जाएगा। अरे कितनी टी शर्ट मम्मी? अरे 6-7। मम्मी पहन के दिखाओ ये वाला कुर्ता। हाँ पहनो पहनो। अरे 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 अच्छा लग रहा है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है यार, परफेक्ट फिट। पता है मटेरियल भी कितना अच्छा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल भी लग रहा है, कंफर्टेबल भी बहुत है। मुझे अच्छा लगा इसका डिजाइन भी अच्छा। ये क्या है? चिकन का कुर्ता? अरे वाह बहुत बढ़िया है अविनाश, बहुत सुंदर। अरे वाह मम्मी बहुत कुछ ले आए। अरे अमिता बेटा इधर आ, तो ये मम्मी तेरे लिए लेके आई है। थैंक यू आंटी। गणपति के लिए तो मैंने इसके लिए ले लिए सारे सारे, वैसे तो शॉपिंग हो गई थी। ले तेरा एक और बाइट आ गया है। अरे टी शर्ट सारा माल यही बटोरा है। अरे अरे बेटे के लिए ज्यादा आ गया, टी शर्ट ज्यादा है बेटे के लिए। ये मम्मी को पहले से ही डर था कि बहू बोलेगी मेरे लिए कम है। ऐसी बंगालन मरूंगी ना मैं। जितने का इसका सारा टी शर्ट नहीं है ना, उतने का ही आपका साड़ी है। बस यही सुनना था मम्मी। जॉनी देखो मम्मा के लिए क्या आया है, आपको अच्छा लगा? करिए मेरे लिए कुछ नहीं। चलो मैं आती हूँ मम्मी चेंज करके। ये जो माँ बेटे का प्यार है ये आप देख सकते हैं। यहाँ झगड़ा ये हो रहा है कि बेटे को एक रोटी मिलनी चाहिए या दो। बहू कह रही है एक, माँ कह रही है दो, और बेटा कह रहा है तीन। बेटा तो और आगे गया। झूठ झूठ बताया कि नहीं मम्मी को? खाने को नहीं मिलता है, बराबर नहीं देती है, ख्याल नहीं रखती है बहू? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ख्याल तो रखते हो लेकिन एक रोटी से क्या होगा? यही ख्याल था तो चाहिए। इन शॉर्ट प्यार से मेरी वाट लगाई जा रही है, प्यार से। लेकिन मतलब कुछ गुस्सा नहीं है उसमें? बेटा आप तो इतना ध्यान रखते हो लेकिन सिर्फ एक ही रोटी? नहीं थोड़ा सा तो बढ़ गया है मास चर्बी, लेकिन एकदम कम नहीं करेगा ना, थोड़ा धीरे धीरे। ठीक है आप क्या बोलोगे इस बारे में? मैं बोल रहा हूँ ना कि एक कहावत है, मेहरारुआ नहीं आ रहे है? मोटरी मोटरी महतारी नहीं आ रहे पोटरी। मैरारू निहारे मोटरी और पहरारू पिटारे पिटोरी। ये वो वही महतारी है, तेरी महतारी वही वाला। तो बहुत गलत शब्द है तो। वही महतारी मतलब माँ। लेकिन तुमने तो बहुत गलत तरीके से सिखाया था मुझे। अरे मम्मी क्या हुआ? अरे क्या हुआ मम्मी? उल्टा पुल्टा सिखाता। हाँ मम्मी गलत गलत शब्द सिखाता है और बुलवाता है। बोलो तोरी, फिर ऐसे ऐसे गला गंदा गंदा शब्द बताता है। बीवी निहारे मोटरी, पहरारू निहारे मोटरी, माँ निहारे पोटरी, दे पोटरी और मोटरी। अरे मैं पगला जाऊंगी। ये जो कहावत है उसको ढंग से उसी स्टाइल में कहो ना, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी। क्यों? हाँ भोजपुरी और हिंदी दोनों में गलत बोलेंगे। खाना लगाया तू मम्मी? तो आज तो मम्मी आई है तो कम से कम पराठा तो बनना चाहिए। अच्छा इसको पराठा चाहिए। अच्छा कौन सा मतलब?
मतलब नॉर्मल पराठा या लच्छा खाओगे? लच्छा लच्छा अच्छा लच्छा अच्छा अच्छा लच्छा लच्छा पराठा खाएगा बेटा? अच्छा अच्छा रोटी बनेगी घर में? मांग रहा था, मैंने बोला रात को रोटी। आपको लच्छा पराठा खिलाती हूँ मम्मी मैं मेरे हाथ का। आलू का पराठा खाना चाहोगी या लच्छा पराठा पहले मेरे हाथ? आलू का भी और लच्छा भी। मेरी माँ मेरे से एकदम भी आ गई। दो दिन में मेरा साथ यही देगा। लेकिन कितना भी हो जाए पापा मेरे साथ है। हाँ जी, टकर रही हो? अरे सास को अपने हाथ की रोटी तो खिलाऊंगी जो रोटी तक बहू ने नहीं बनाई। गरम गरम गोल गोल रोटी बनाऊंगी ना, सास को अपने कब्जे में ले लूंगी। अरे सुन लिया मम्मी ने क्या? सास ने सब सुन लिया क्या? बहू के कब्जे में नहीं आएंगी क्या? ससुर तो आ गए। सास को करूंगी अब अपने कब्जे में फूली फूली रोटी बना के। ये देखो ये देख लो गरम गरम। कब्जे में लेने के लिए तो नहीं बन रहा है ना? अरे जैसे ही मम्मी आई है किचन में को रोटी नहीं फूली। और पता नहीं देश की 90% बहुओं के साथ यही होता है, जैसे सास आती है ना नर्वसा जाती है। हाँ लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। तुम तो नहीं? तो जी रात हो चुकी है, सबने खाना खा लिया है और अब मैं चली सोने। और मम्मी पापा बैठ के देख रहे हैं फिल्म। तो उनको फिल्म देखने देंगे जितनी देर तक वो देखना चाहते हैं, उसके बाद उनको पता लगेगा कि बहू उनसे पहले ही सो चुकी है, तो शायद वो जल्दी सो जाए। तो आपको मिलते हैं कल। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। तो तुम तो नींद के मारे गिर रही हो। हाँ लेकिन सास सास के सामने नहीं ऐसे तुम सो सकते हो? तुम सो, तुम्हारी इतनी चुगलियां लगाऊंगा ना। देखो रोटी बना के बहू सो गई, देखा नहीं सास ने खाई की नहीं? नहीं नहीं मैंने अपने हाथों से खिलाई है उनको। तो इसका मतलब ये भी था कि उन्होंने मेरे को पता किस वजह से देखा, इसका मतलब दो ही खानी है मुझे, मुझे तीन खानी हो तो।